Friends, so what have we been discussing? We have been questions कर रहे थे अपन, है ना? Okay. तो हमने कुछ ऊपर ऊपर के easy questions कर लिए already. आज अपन करेंगे कुछ advanced level questions करेंगे, है ना? And most of the questions will be related to locus. Locus माने obviously we always find locus questions difficult, है ना? Even when I was a student, I used to find locus questions difficult, है ना? ठीक है? इसलिए अपन कर लेते हैं questions, right? Now before you know we start questions. What are the basics we are expected to know? First thing is the equation of chord of contacts. How do you find equation of chord of contacts? S1 is equal to 6. Simple. And how do you find equation of chord bisected at a given point? S1 is equal to S1. Mane basically ek circle hai. And aapko na ek chord ka equation banana hai. Jo ek given point pe bisect ho. एक गिवन पॉइंट पे बाइसेक्ट हुआ तो सिंपली इसका इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फार्मूला S1 इज इक्वल टू S1 राइट एंड ऑब्वियसली अगर कोई मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया और वहां से मैंने दो टैंजेंट्स खींच लिया और एक्सटर्नल पॉइंट इज X1 Y1 देन रिमेंबर इक्वेशन ऑफ कोण ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन ऑफ कोण ऑफ कांटेक्ट इज गिवन बाय S1 इज इक्वल टू राइट एंड रिमेंबर आल्सो लोकस लोकस में क्या करते हैं अपन कि जिस पॉइंट का लोकस निकाल पाता है जिस पॉइंट का आइदर वी स्टार्ट विद h कॉमा k और स्टार्ट विद x कॉमा 1 और यू आल्सो स्टार्ट विद x1 y ठीक है राइट चलो ये तो आप तीन ही दिए नेक्स्ट सर राइट फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम ओरिजिन कॉस आर ड्रॉन to the circle from origin chords are drawn to the circle x minus 1 ka whole square plus y square is equal to 1 then the equation of locus of midpoint of these chords then the equation of locus of midpoint of these chords so chords are drawn from origin to this circle, then he is asked us to find equation of locus of midpoint of these chords. अच्छा, clearly locus माने ऐसे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे माने बहुत सारे chords draw किया जा सकता है. अच्छा, is it? Now you know first thing that comes to your mind is ये एक तो unique circle है. इसका center कितना? 1/0. The radius कितना है? सेंटर द मोमेंट यू सी 1 एंड 1 यानी ये बिल्कुल कोई एक एक्सिस को टच करे कौन सा एक्सिस को टच करेगा रिमेंबर अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो y को टच करता है अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो x को टच करता है बिल्कुल पक्का तो ना ये ऑब्वियसली इसका 1.0 है समझ लिया 1.0 उसका रेडियस भी मान तो क्लियरली ये कौन सा एक्सिस को टच करेगा y एक्सिस को टच करेगा एंड एट माने ये ओरिजिन सर्कल पे है इसलिए x का जीरो डाला है माइनस वन का स्क्वायर इज वन प्लस वन का स्क्वायर सॉरी जीरो हाँ जीरो का स्क्वायर सो वन इज इक्वल टू नाउ व्हाट इज इट ही ड्रू कॉर्ड थ्रू ओरिजिन अच्छा मानो ये कॉर्ड ऐसा भी कॉर्ड होगा और ये भी कुछ एक कॉर्ड है ऐसे कितने कॉर्ड हो सकते हैं इनफाइनिटी में और इन सारे कॉस का जो मिड पॉइंट है उन सब का अपने को अच्छा ये तो अपने को लग रहा है ये सर्कल होगा और ऐसे भी लग रहा है कि शायद इसके सेंटर जीरो होने का चांसेस है मे बी वी डोंट नो है ना आई डोंट नो मे बी नहीं नहीं हो सकता राइट बट पक्का वो सर्कल तो होगा ही है ना लग रहा ना रिमेंबर अगेन लाइक आई सेड इस क्वेश्चन में इंटरप्रेट कर ना दैट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तो लोकस किसका फाइंड करना है मिड पॉइंट का तो मैं स्टार्ट किससे करूंगा मिड पॉइंट से स्टार्ट करूंगा लेट्स वन ऑफ दीस मिड पॉइंट्स बी x1 y1 मैं x1 y1 क्यों लिया रिमेंबर आपके पास एक फार्मूला है अगर मान लो ये कॉर्ड लेते हैं ये कॉर्ड का मेरे पास अगर ये मिड पॉइंट होता तो मैं उस इक्वेशन फाइंड कर पाऊंगा कैसे अभी हमने डिस्कस किया माने दिस कॉर्ड इज बाइसेक्टेड दिस s1 इज इक्वल टू s1 तो इसमें मैं एक काम करूंगा जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको मैं x1 y1 ठीक है ये जो एक पॉइंट है ये व्हिच इज x1 बट ये वाला है अच्छा
ये ओ है मान लो, और मान लो ये एक सम क्यू है, सो क्लियरली ओ क्यू का मिड पॉइंट इज पी, लेट पी एक्स वन वाई वन बी वन ऑफ द मिड पॉइंट्स, राइट? देन ऑब्वियसली व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ओ क्यू हियर, एस वन इज इक्वल टू एस वन वन, सही है? अच्छा पहली बात यह है कि मुझे सर को जनरल फॉर्म में चाहिए एस वन वगैरह ये सब अप्लाई करने के लिए, तो मैं पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वन एक्स, ये है जनरल फॉर्म में, तो मैं इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, अप्लाई करना है एस वन इज इक्वल टू एस वन एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर बनेगा माइनस टू एक्स बनेगा वापस एस वन वन माने एक्स वाई को पूरा एक्स वन वन से रिप्लेस करें, माने आर एच एस में आएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस टू एक्स, सही आगे पक्का? तो हमने क्या किया, हमने बोला मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मैं उसी पॉइंट को कंसीडर कर लिया एक्स वन में, एंड गुड थिंग इज कि उन सारे कॉस का मिड पॉइंट है, अच्छा तो कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर मुझे पता होता तो कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड कर पाऊंगा, दैट इज बेसिकली दिस, राइट? अच्छा, नाउ समथिंग टेल्स मी कि वी आर yet to apply the given point, ki ye sare cords are passing through a point, what is that point? Origin, of course, aapne cord draw kiya kahan se? Origin se, mane origin should satisfy each and every one of these cords, mane main yahan x aur y ki jagah main dalunga pakka, kyun each and every one of these cords pass through origin, mane x ki jagah 0 to ye 0 ban gaya, ye bhi 0 ban gaya, aur yahan kya bachega? Is equal to x1 square plus y1 square minus 2 x1. So, ये बनेगा x1 square plus y1 square minus x1 is equal to 0. आपने नोटिस किया, remember, यहाँ x1 y1 भी unknown है, x y भी unknown था. लेकिन हमने x और y के जगह 0 डालने के बाद, अपने पास एक equation आ गया जिसमें सिर्फ है x1 और अच्छा, अब तो locus किसका find करना था? अच्छा, मैं क्या करूँगा ultimately? Replace करो इसे x माने इक्वेशन सिंपली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू राइट, अगर अगर इसे आज के सीरीज वाज ठीक है, ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन बट नॉट वेरी डिफिकल्ट, बाय बस ये क्लिक हो जाना चाहिए ओरिजिन से कॉर्ड ड्रॉ करना है, अच्छा फाइन ठीक है, बहुत सारे कॉर्ड्स पॉसिबल है, लेकिन अब जो लोकस का फाइन करना था उनका मिड पॉइंट, तो नेचुरली हम इसे लेना मिड पॉइंट भी h कॉमा के या x1, मैंने x1 में इसीलिए लिया था क्योंकि मेरे पास फार्मूला है, इन सारे कॉर्ड्स का मैं फार्मूला सॉरी इक्वेशन फाइन कर पाऊंगा बाय यूजिंग s1 is equal to एंड लेटर ऑन व्हाट वी डू x और y के लिए 0,0 बिकॉज़ 0,0 satisfies this, okay? So next question, the locus of midpoint of chord of contact, the locus of midpoint of chord of contact of tangent drawn from any point on the line, drawn from any point of the line 4x minus 5y is equal to 20 to this circle, to this circle x square plus y square is equal to 9 is, what is asking? Locus of midpoint, huh? Locus of midpoint of chord of contact. Yes, COC. Na, in short, we are used to writing COC. Right? This is interesting. तो अपने को पता है कि equation अच्छा यहाँ ना interesting thing is कि ठीक है ऐसे एक figure बना देते हैं ठीक है ये एक circle है ना equation of chord of contact माने जो point of contact को join जब किया हमने तो एक line मिलता है
और उस लाइन होता है कोड ऑफ कांटेक्ट सिंपल। और डबल वर्क उसकी उसका इक्वेशन क्या था s1 = 0, बट उसके लिए आपको कौन सा पॉइंट चाहिए एक्स्ट्रा वाला पॉइंट बाहर वाला, बट लेकिन बाहर वाला पॉइंट दिया है कि लाइन दिया है, लाइन दिया है मैंने व्हाट इज इट इसकी ऐसे एक लाइन ले लिया मैंने ठीक है चलो लाइन फ्रॉम वेयर व्हाट डिड यू डू इट थ्रू और जरूर ये दो पॉइंट में टच करेंगे दोनों टैंजेंट्स, और जब इनको अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो इससे क्या बनेगा ये है आपका कोण ऑफ कांटेक्ट। अच्छा अल्टीमेटली अपने को लोकस किसका फाइंड करना है, किसका इनका मिड पॉइंट का। अच्छा तो ये कहानी इससे भी है और इनका मिड पॉइंट से भी है। अच्छा तो एक काम करता इनका मतलब एक मिड पॉइंट जो होता है वो उसको ले लिया मैंने सी से, सेंटर का मैंने ओरिजिन ले लिया तो मान लीजिए सी। अच्छा सर सेंटर वैसे भी सेंटर ओरिजिन ही ओके नाउ दिस इज व्हाट यू वेरी नाउ आपने कोई भी पॉइंट ले लिया और ये आपने कहा से ड्रॉ किया ये वाला लिखा से अब देखो अगर ये पॉइंट होता सो दिस इज गिवन बाय s1 = 0 q एक्सटर्नल पॉइंट नंबर व्हाट इज दिस लाइन कोण ऑफ कांटेक्ट उसके लिए आपको एक्सटर्नल पॉइंट चाहिए। अच्छा लेकिन इफ यू डू नॉट लुक एट दिस p ये खुद एक कोण है और जिसका मिड पॉइंट कौन है सी, और वो सी पे क्या हो रहा है बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब अगर मुझे मेरे पास सी होता तो इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करूंगा। अच्छा माने मैं इसका इक्वेशन ना दो अलग तरीके से फाइंड कर पाऊंगा और दोनों सेम लाइन है। याद है हमने लास्ट क्वेश्चन किया था पोल फाइंड करो जबकि पोलर दिया हुआ तो पोलर इसके बाद s1 = 0 दो लाइन है लेकिन दोनों की सेम लाइन है तो क्या क्या है कंपेरिजन। एग्जैक्टली हेलो ठीक है मैं काम करूंगा मुझे लोकस किसका फाइंड करना है इसी का ठीक है काम करो मैं इसको लूंगा x1 y1 क्योंकि इसका जो इक्वेशन जो बनता है अकॉर्डिंग टू दिस s1 = s1 राइट सो आई कंसीडर लेट वन ऑफ दी कॉर्ड का मिड पॉइंट बी x1 y1 राइट सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB इज s1 = पक्का। अच्छा सर्कल कौन है x2 + y2 -9 = 0 है ना जनरल फॉर्म में लिख लूंगा तो ये बनेगा x1 + y1 - x1² + 0। ये किसका इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्ट है गिवन पॉइंट दिस इज नॉट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है क्योंकि मैंने ये वाला पॉइंट यूज ही नहीं किया। ठीक है मैं एक काम करूंगा इसको आई डोंट टेक x1 बार मेनी पॉइंट एक काम करूंगा मैं इसको कंसीडर करूंगा बट रिमेंबर द मोमेंट आई कंसीडर कि लेट दिस पॉइंट h कॉमा k व्हिच इज लाइंग ऑन दिस लाइन माने ये पॉइंट किसको सैटिस्फाई करेगा ये लाइन पक्का 100% श्योर मैंने इमीडिएटली व्हाट आई डू आई एम राइट समथिंग ऑन हियर कि देयरफॉर 4h - 5k = 20। ठीक है मैं साइड रखता है ना क्योंकि कोई भी पॉइंट से माने ठीक है पॉइंट ले लिया h कॉमा और वो इस लाइन का क्या कंडीशन है। बट द मोमेंट आई टेक h कॉमा k इसका इक्वेशन मैं फाइंड कर पाऊंगा कैसे अगेन इक्वेशन ऑफ ab इज अगेन गिवन बाय s1 = 0 कैसे बाय यूजिंग एक्सटर्नल पॉइंट s1 = 0 तो हमने कर लिया ऑलरेडी x1 + y1 - अच्छा
बट रिमेंबर हियर x1 और y1 के लिए आपको लेना होगा आगे पक्का हमारे रिसर्च में hx plus ky minus 9 is equal to अच्छा ये भी इक्वेशन ऑफ एबी है और ये भी इक्वेशन ऑफ एबी है माने दिस टू शुड रिप्रेजेंट सेम कंपैरिजन अब देखो मैं इसको कैसे कंपेयर करूंगा ना ये देखो मेरे पास ना h और k की इसमें कंडीशन है तो यानी मैं यहां h और k की जगह मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा माने मैं इसको h और k की इसमें लिख दूंगा है ना तो मैंने इसको ऐसे कंपेयर माने h अपॉन पक्का h अपॉन x1 is equal to k अपॉन y1 is equal to यहां minus 9 और यहां माइनस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस आगे कब हमने बोला था इट्स क्वाइट सिंपल आपके पास h और k की कंडीशन है तो मैं यहां से किसका वैल्यू फाइंड करूंगा h तो कैसे 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 पक्का इसको मैं इसी पे कर दूं तो h की वैल्यू आ जाएगा हाउ मच इज दैट d माइनस 9x1 अच्छा ये -9x1 9x1 x1 square plus y1 square. Similarly, k is now what? 9 by 1 upon x1 square plus y1 square. So, we can add the quality of the order. 4 into h minus 5 into k is equal to 20. Second, what is the other? So, what do we get here? 36 x1 minus 45 y1 is equal to 20 times x1 square plus okay now there is no h comma k anywhere I mean any norm any normal that means what I have to locus find karna hai iska x1 y1 so obviously x1 y1 to h x comma y so what will this become so 20 x square plus y square minus 36 x plus 45 y1 is equal to लेकिन ऐसे कितने बेसिकली यहां दो चीज है यहां एक तो इस लाइन पर पॉइंट और दूसरा कॉर्ड का मिड पॉइंट और कॉर्ड का मिड पॉइंट फाइंड करना है और सॉरी इसको लोकस फाइंड करना है ठीक है अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट हो तब तो मैं उसका इक्वेशन फाइंड कर पाऊंगा व्हिच इज s1 इक्वल टू s1 और एक्सटर्नल पॉइंट होता तो भी मैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर पाऊंगा व्हिच इज बेसिकली s1 इक्वल टू 0 है ना अब देखो लेट्स अंडरस्टैंड आपको लोकस फाइंड करना था तो आप इसको h कॉमा में ले सकते थे और यहां इसको x1 y1 भी ले सकते हैं ना इट्स अप टू यू एंड द मोमेंट यू सेट एनी पॉइंट ऑन दिस माने इमीडिएटली क्या होगा कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा और मैंने क्या किया दोनों भी लाइंस हैं एक तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और दूसरा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाईसेक्टेड एट पॉइंट्स टू इक्वेशन दोनों को कंपेयर किया एंड इमीडिएटली आपको एलिमिनेटिंग पता है आपको एलिमिनेट किसको करना है क्योंकि आपने ले लिया और इसका मतलब है इस बीच में क्या कंडीशन है ये वाला तो ये यूज करके आपको h को एलिमिनेट करना है क्या क्या हमने यहां से h मिल गया और इन दोनों को कंपेयर इक्वेट किया तो इससे मिल गया कि वो दोनों बाहर आ गया आगे सो नाउ दिस इज द टास्क नो डाउट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फिर द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम The chord of contact of pair of tangents. The chord of contact of pair of tangents drawn from each point on the line. Drawn from each point on the line. 2x plus y is equal to 4. Drawn from each point on the line. 2x plus y is equal to 4 to this circle x squared plus y squared is equal to 1
will pass through a fixed point. Will all pass through a fixed point, then find the fixed points. That's sharp. You see, the moment I heard this word fixed point, ये एक कहानी था, याद आ रहा है कहाँ कब अपन डील किया था, स्ट्रीमलाइंस पर डील किया था फिक्स्ड पॉइंट के बारे में. फैमिली ऑफ लाइंस, रिमेंबर, फैमिली ऑफ लाइंस माने दे ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. रिमेंबर, एल, रिमेंबर फैमिली ऑफ लाइंस दिखते कैसे हैं, एल वन प्लस लैम्डा टाइम्स एल टू इज इक्वल टू जीरो. जब अपने पास एल वन प्लस लैम्डा टाइम्स एल टू इज इक्वल टू जीरो होता, रिमेंबर कि ये सारे फैमिली ऑफ लाइंस होते हैं, बहुत सारे लाइंस है इसमें, वो हमेशा ना इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं. ईच एंड एवरी वन ऑफ द लाइंस बिलोंगिंग टू दिस फैमिली ऑफ लाइंस विल ऑलवेज पास थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज बेसिकली इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. रिमेंबर, हमेशा कभी कोई भी इसमें ना फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट ऐसा होता तो मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल ऑलवेज रिलेटेड टू फैमिली ऑफ लाइंस. एंड रिमेंबर, समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है लैम्डा 1 एल 1 लैम्डा 2, ये भी चलेगा पक्का, ऐसे भी चलेगा, आइदर उसमें एक कांस्टेंट हो जाए या दो कांस्टेंट हो जाए, राइट. अच्छा, तो इसका कहानी जो है इज आल्सो सिमिलर टू द अर्लियर वन. कैसे, उन्होंने अभी भी क्या किया, एक बाहर से एक लाइन से उन्होंने कॉल ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ कर लिया, और ठीक है, इट्स वेरी सिमिलर टू दिस, बट इन यहां मिडिल पॉइंट से कोई लेना देना है ना, ठीक है. अगेन व्हाट डू यू डू, ही कंसीडर अ लाइन आउटसाइड द सर्कल व्हिच इज हाउ मच 2x + y = 4, और यहां से क्या किया उन्होंने, फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन ही ड्रॉ पेयर ऑफ पैचेस, ठीक है, एक आध पॉइंट ले लिया हमने, राइट. तो क्या किया उन्होंने, यहां से पेयर ऑफ पैचेस खींच लिया. अच्छा, ऑब्वियसली अभी क्या पूछा उन्होंने, देन द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, देन द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विल ऑलवेज पास थ्रू अ पॉइंट. अच्छा, तो मुझे ना इस लाइन को लैम्डा 1 l1 प्लस लैम्डा 2 l2 या L1 plus number times L2 इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे मिल जाएगा वो फिक्स्ड पॉइंट. अच्छा, तो रिमेंबर इसका इक्वेशन तो मुझे पता है, अगर आपको अगर आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है, रिमेंबर इस इक्वेशन दिखता कैसे, बेसिकली आइदर यू टेक h कॉमा k और x1 y1 डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है. तो क्या मैं x1 y1 लेते हैं, क्योंकि s1 = 0 है, राइट, पक्का. तो एक काम करूंगा, इसको मैं होगा x1 और ठीक है चलेगा, राइट. अच्छा, माने इमीडिएटली व्हाट कैन डू, 2x1 plus y1 is equal to, राइट. अच्छा, ये s1 is equal to 0, s1 is equal to 0 है ना, इक्वेशन ऑफ ab, x1 में हमने लिया है इक्वेशन ऑफ सर्कल x2 plus y2 is equal to 1, माने xx1 plus अब देखो, अब यहां x1 y1 जो है वो चेंज होते रहेंगे, अगर वो फिक्स नहीं है, माने यहां आर्बिट्री कांस्टेंट है कौन, यहां अच्छा दीज आर योर लैम्डा 1 लैम्डा 2, लेकिन आपको ना एक को एलिमिनेट करना है, आप चाहिए तो y1 को एलिमिनेट करो या x1 को, क्योंकि दोनों को नहीं रख सकते, एक को तो एलिमिनेट करना होगा आपको, तो कैसे, ठीक है, एक काम करूंगा मैं y1 को एलिमिनेट करूंगा, ठीक है, तो y1 कितना आएगा, यहां का होगा, सो व्हाट विल बी x x1 प्लस y टाइम्स y1 इज माइनस 1 इज इक्वल टू x x1 प्लस 4y माइनस 2 टाइम्स 2 x1 y, सही है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0. रिमेंबर यहां लैम्डा होता है x1, पक्का, ये y जो है वो मूव हो रहा है, लैम्डा टाइम निकल रहा है, माने आपको समथिंग प्लस x1 टाइम्स ऐसे लिखना होगा, l1 प्लस लैम्डा टाइम्स है, पक्का. अच्छा, तो ना x1 के टर्म सारे कलेक्ट कर दूंगा, x1 यहां है x और यहां, पक्का, और बाकी सब पहले से आ गया, व्हिच इज 4 x1 = 0 आ गया फैमिली ऑफ लाइंस केस में. तो अब तो इजी है, ये हो गया आपका L1 और ये हो गया आपका L2, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना आसान है, कैसे, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0. अच्छा, माने 4 y इज इक्वल टू, सॉरी 1, हां 1 लिख सकते हैं, बना दिस इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 by 4, और यहां से x इज इक्वल टू 1, माने x इज इक्वल टू
1/2, therefore the fixed point is 1/2, comma. अगर आप चाहिए तो ये क्या कर सकते हैं कि आप x1 को लैम्डा ले सकते हैं, तो y ऑटोमेटिकली क्या होगा 4 माइनस 2 लैम्डा, और आपको ना इजीली कीप हो रहा है हां ये लैम्डा समझ में आ गया, x1 की जगह पर लैम्डा ले सकते हैं, माने अब तक क्या होगा कि ठीक है पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा फॉलो चेंज हो जाएगा ना, इससे बेटर यही है। तो अगेन कीप दिस इन माइंड, द मोमेंट यू वुड से फिक्स्ड पॉइंट, यू ऑलवेज पास थ्रू लाइन्स, lines passing through fixed point by simply family of x, and remember आपका जो last equation जो है वो हमेशा l1 plus lambda times, और यहाँ tricky part ये है आपका lambda कौन है जो change हो रहा है, एक fixed condition पे change हो रहा है x1 का, right? Of course x1 में तो variable है, it can never be time, ठीक है? This was also a nice question. The middle point of the chord intercepted by the circle, x square plus y square is equal to 16 on the line joining one comma minus 2 and 0 comma minus. This is your question number 45. What is the answer to find? The midpoint of the bicircle on line joining these two points. So, पहली बात देखिए ये दो points line पे है क्या? सर सर सर्कल पे है क्या? He just said line joining two points. We did say कि two points are on the circle. है क्या? कैसे verify करें? सर्कल पे है कि नहीं? सर्कल तो है, नहीं तो नहीं? इसमें डाला? नहीं डाला. Actually negative आ रहा है. माने सर पॉइंट कहां है, ऑन की इनसाइड या आउटसाइड? नेगेटिव माने इनसाइड। अच्छा ये भी नेगेटिव है, दो पॉइंट सर्कल के अंदर है। तो रिमेंबर आपने नोटिस किया ही इज नॉट सेइंग अबाउट लाइन सेगमेंट, ही इज टॉकिंग अबाउट लाइन 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 माने पूरा एक्सटेंड होगा। हां लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट माने, हां वो तो पॉड का माने दो पॉइंट सर्कल पे है ना। आगे अच्छा माने एक सर्कल है आपको जिसका सेंटर का आपको पता है 0,0 और रेडियस है 4। तो दो पॉइंट्स दिया उन्होंने समथिंग लाइक दिस, मानो ये पी है ए क्यू है, उनको क्या किया उन्होंने ये तो आपको लगता है कि दोनों का भी पॉइंट ही दो पॉइंट होगा है ना। अच्छा ये लाइन है, अपने को फाइंड क्या करना है, अभी जो कॉर्ड जो बना है मानो कॉर्ड इज ए बी, इनका आपको फाइंड करना है मिड पॉइंट। अच्छा लेकिन ना कॉर्ड का मिड पॉइंट निकालना है तो क्या क्या कंडीशन है, आप आपको कोई इक्वेशन पता है क्या? s1 माना गया। अच्छा दिस इज नथिंग बट s1 इज इक्वल टू राइट। अच्छा लेकिन इसके लिए तो मुझे कौन चाहिए पॉइंट, लेट द पॉइंट बी लेट दिस बी सी। अच्छा ये पॉइंट टू द सर्कल, ये x2 y2 16 0 राइट, तो क्या होगा xx1 yy1 16 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस माइनस 60 माइनस 60 कैंसिल, माने ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है यू कैन कॉल इट एज इक्वेशन ऑफ ए बी इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस, ये कौन है इक्वेशन ऑफ ए बी है क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट हमने ले लिया एक्स वन वाई वन। अच्छा लेकिन लेकिन इक्वेशन ऑफ ए बी माने इक्वेशन ऑफ पी क्यू, दोनों एक ही होते हैं पक्का 100% श्योर? क्यों 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 ऑल ऑफ कोलिंग है, दे ऑल कोलिंग है इज इट। अच्छा तो मैं इक्वेशन ऑफ पीक्यू भी फाइंड कर पाऊंगा, तो मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन ऑफ पीक्यू और ब्रैकेट में लिखूंगा इक्वेशन ऑफ एबी एज वेल। अच्छा तो पी और पीक्यू दो पॉइंट्स हैं अपने पास, व्हाट आर दोस, 1 कॉमा माइनस 2 एंड 0 कॉमा सही, तो कौन कौन सा हो जाएगा y माइनस y1 which is
अच्छा देखो यहाँ भी x1 है यहाँ भी यानी तीनों इसमें वेरिएबल तो अपन क्या करेंगे हमेशा k माने x1 is k y1 is also k यहाँ डालें तो minus of k square plus k square is equal to k है ना minus 2 k square minus k 0 है माने plus कर दूँ k into 2 k plus 1 is 0 माने either k 0 और k minus सेंटर से जा रहा हूँ यहाँ इससे भी जा रहा हूँ ठीक है माने k is equal to minus 1 by 2 माने the points are simply minus 1 by 2 the points are अच्छा यहाँ क्या किया हमने अगेन कंपैरिजन कैसे कैसे कंपेयर किया हमने कि अच्छा वो कॉर बाइसेक्टर गिवन पॉइंट था इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है बस अभी वो पॉइंट निकालना है जो दिस क्वेश्चन इज सेम एज पोलर लास्ट क्लास हमने पूरा का क्वेश्चन कर लिया है ना कंपैरिजन वो भी ऐसे ही किया था s1 is equal to 0 को गिवन लाइन से कंपेयर किया है वेरी सिंपल राइट एंड दिस वाज द रीजन ओके ठीक है द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट The equation of locus of midpoint of the chord of the circle locus of midpoint of the chord of 4x square plus 4y square minus 12x plus 4y plus 1 is equal to 0. That subtend an angle of of 2 pi by 3 at center. Is asked to find locus of midpoints of chord of the circle which subtend an angle of 2 pi by 3 at center. As a diagonal pehle kar chuke already, है ना कॉर्ड तो करें कैसे सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक आप कॉर्ड है जो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है एट सेंटर टू बाय थ्री ना रिमेंबर अच्छा तो सेंटर है अपने पास अच्छा अब देखो इसको पहले एस के फॉर्म में लिखना होगा बिना जैसे कि 2g इज माइनस 2 है तो सेंटर इज माइनस 6 तो 6 एक्सैक्टली तो x प्लस y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3x प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू तो सेंटर क्या होगा 2g माइनस 3 माने 2f1 है माने इसका रेडियस रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस बढ़िया तो लोकस इसका कुछ होना है मेरे पॉइंट का तो क्या करना जनरल कैलकुलेट टू x1 कॉमा अब तो ना दिस इज वेरी थिंकिंग वेरी इंटरेस्टिंग जनरली हम क्या करते हैं अगर इसका लोकस निकालें तो वी एक्चुअली गो फॉर s1 = s1 लेकिन यहां वो नहीं करना है
क्यों? क्योंकि अपने पास क्या है कि ये एंगल है तो वॉच विंडो अपने पास देखो ये है ये वाला है और ये एंगल है तो ये एंगल को यूज कैसे करें और आपने बोला इसको इन्वॉल्व करना है पक्का वेरी गुड अगर मैंने इनको ज्वाइन कर लिया इसको सेंटर को सी ले लिया ये ए बी है और ये मानो मैंने ज्वाइन कर तो ये एंगल कितना पाला है ना ये तो पाला है तो ये अब तो हो गया ये क्वेश्चन आर कॉस थीटा पक्का आ गया अच्छा ये पॉइंट है और आपको लोकस निकालना है ये पॉइंट का तो आप इजीली डिस्टेंस को अप्लाई कर सकते हैं बट आपके अपने लिए क्या चाहिए सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए अच्छा ये डिस्टेंस को इजीली मिल जाना कैसे ये रिमेंबर एडजेसेंट वाला हमेशा आर कॉस थीटा वर्टिकल वाला हमेशा आर साइन थीटा बट आपको कौन सा चाहिए एडजेसेंट चाहिए राइट सो फ्रॉम द फिगर CD is nothing but R cos theta. But CD itself is how much? Root over x1 minus 3 by 2 ka whole square plus y1 plus 1 by 2 ka whole square is equal to R kitna hai? 3 by 2 cos 60 hai? Aage pakka. To aapne notice kiya the midpoint of chord is given that doesn't mean we always apply s equal to 0. Agar if he has given angle at the center तो क्या करें सेंटर को कोई बिल्कुल को ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अगर रेडियस है माने ये डिस्टेंस है कि दोनों के बीच का है ये क्या हमने किया है विद सबटेंड 90 डिग्री एट सेंटर वाला क्वेश्चन क्या नाम है ना वो भी अलग तब क्या अब तो ये इजी है क्रॉस स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई है ना व्हाट डू यू गेट हियर स्क्वेयर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 9 बाय 16 पक्का और ये होगा x1 स्क्वायर प्लस यहां से माइनस 2 2ab minus 3x यहाँ plus plus 9 by 4 और यहाँ सही है अच्छा 9 plus का जो कुछ भी है अब पता सबको 16 से multiply करना होगा पक्का क्यों क्यों 16 से multiply करें common denominator के लिए तो ये होगा 16 इस इसी का logarithm करना है तो replace करो x square plus 16 y square minus 16 is 48x plus 16 is 1. That is very useful. Ye 9 plus 1? 10 by 4. Or multiply this again? 16. 4 4. So, this is 40. 40 minus 9 is equal to 0. Again, easy question. Tha. What made this question a little bit tricky is the circle is not in general form actually. Aapko x square y square portions ko much make convert. How do we do that? We simply divide it by 4 on both sides, right? Now this is an awesome question. यानी जहाँ we deviated from what we have been doing today, है ना? Where central angle was given, तो हमने क्या किया? Distance normal लगाया, right? This is the question. Next. These are very nice questions. Slope. एक्चुअली स्लो फॉर्म पर मैंने ये क्वेश्चन करना था राइट ऑफ इफ थीटा 1 एंड इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 बी द इंक्लिनेशंस इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 बी द इंक्लिनेशंस ऑफ टैंजेंट्स of tangents drawn from a point P to the circle x square plus y square is equal to r square. Then the locus of P is given that cot theta 1 plus cot theta 2 is equal to given that cot theta 1 plus cot theta 2 is equal to c or find the other term ultimately locus of p factor say now this is an interesting question
He's actually given us inclinations of tangents. External point कितने points drop कितने tangents drop करते हैं दो tangents मानो ये A है और ये B तो आपने notice किया दो tangents माने दो lines माने दो inclinations माने दो slopes अच्छा तो इस line का inclination theta one है let the corresponding slope be अच्छा और इसका inclination theta two है let the slope be तो immediately what is m1 what is m2 obviously और given condition क्या है cot में है तो मैं क्या करूं reciprocal तो cot माने 1 by 10 माने मैं इसको ऐसे लिख लूं चलेगा 1 by m1 plus माने this nothing but m1 plus m2 upon m1 m2 is equal to माने ultimately indirectly you could have just said कि sum of these slopes to that of product is ऐसे भी accept किया जा सकता बट इनडायरेक्टली क्या पूछा क्या दिया उन्होंने इंक्लिनेशन दे रखा अच्छा इंक्लिनेशन अपन क्या फाइंड कर सकते हैं स्लोप्स तो ये तो है लेकिन अभी बना m1 प्लस m2 और m1 m2 चाहिए अच्छा m1 प्लस m2 माने सम ऑफ दिस स्लोप्स m1 m2 माने प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप्स तो माने ग्रीन क्वाड्रेटिक है इनडायरेक्टली इज इट क्वाड्रेटिक यस मतलब कंडीशन सप्लाई करके आगे यानी अपने को m केस में क्वाड्रेटिक चाहिए अरे अगर मुझे m केस में क्वाड्रेटिक चाहिए होता तो मैं कौन सा फॉर्म से स्टार्ट करूंगा टेंजेंट का पक्का वेरी गुड 100% श्योर स्लोप फॉर्म से ही आपको m में क्वाड्रेटिक मिलेगा और आपने नोटिस किया सर्कल इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म माने रिमेंबर ठीक है अपने को लोकस का फाइंड करना है p का ठीक है उसको लोकस का स्लोप भी x1 लेट एनी लेट पॉइंट भी x1 y1 सो वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट p आर बेसिकली x1 टेंजेंट्स तो अपन स्टार्ट करेंगे विद स्लोप y is equal to mx plus or minus r into root over remember this is your slope this is any tangent provided what do we know slope है ना अच्छा लेकिन remember ये दोनों भी tangents कौन से point से pass हो रहे हैं इसको सेट से करेंगे तो y1 is equal to m x1 plus or minus r into root over तो अब पता है हमें quadratic निकालने के लिए क्या करना है rational terms are one side square root y1 minus mx1 का whole square is equal to r square into v1 का y1 square minus 2mx1 by 1 right? plus m square x1 square is equal to r square plus r square n square सही है अच्छा तो मैं ना n square का टर्म देख सकता हूं तो m square into x1 square minus r square minus 2mx1 by 1 अब डायरेक्ट सिंपली और डायरेक्ट लेता हूं एंड आई थिंक आई हैव टू मेमोराइज और रादर राइट द इक्वेशन इन योर नोट्स और ये प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू हमने डायरेक्ट सर्कल पे क्यों डिराइव किया था हमने रिमेंबर डायरेक्ट सर्कल माने द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर द वो डायरेक्ट सर्कल होता है जहां से अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं माने m1 m2 माइनस माने m1 m2 माने c1 के माइनस उससे अपने को आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 r स्क्वायर रिमेंबर लेकिन यहां द टेंजेंट्स आर नॉट परपेंडिकुलर उनके स्लोप केस में ये कंडीशन है तो यहां से मुझे क्या फाइंड करना होगा and m1 m2 दोनों का रेशियो इज c अच्छा यहां व्हाट इज सम ऑफ द स्लोप्स माइनस b बाय a माने सम ऑफ द स्लोप माने माइनस x1 बाय 1 माइनस 2x1 बाय 1 है ना m का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय a व्हिच इज ये प्लस होगा पक्का माइनस b बाय a दिस डिवाइडेड बाय m1 m2 y1 square minus r square divided by is equal to अच्छा ये कैंसिल होगा है ना तो क्रॉस में निकला कि ये उसके साथ चला जाएगा माने ये बनेगा 2 x1 by 1 is equal to c into y1 square minus r square अगर मुझे लोकस फाइंड करना है किसका x1 y1 का तो क्या कर लो x1 इनको xy से करके माने आंसर इज 2xy is equal to c into y square minus ये बस ये तो वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आप भी क्वेश्चन में दिया हुआ तो सी और आर को डिराइव करने की जरूरत है अच्छा माने आपने नोटिस करा था कि इफ यू हैव बीन गिवन सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्लोप्स ऑफ द एक्सटर्नल टेंजेंट्स दैट मींस वी हैव टू स्टार्ट विद स्लोप फॉर्म राइट तो आपको स्लोप फॉर्म से स्टार्ट करना होगा हमेशा
you always have to start with slow, right? Slow form से start किया, square on both sides, तो इससे आपको तुरंत मिल जाएगा quadratic, जिससे आप sum find कर सकते हो, product भी find कर सकते हो, actually angle between tangents भी find कर सकते हो, m1 minus m2 चाहिए, tan theta, m1 minus m2 upon 1 plus m1 plus m2 का whole square minus 4m1 m2 है ना, pair of sides होती है, right? Now, the next question is extremely important, and this is a very, very common question, or it may be one of the favorites. But generally, ये इसमें ना हमेशा parabola हो सकता है, कैसे भी करके parabola आ जाता है. लेकिन ये एक ऐसा unique question है जिसमें दोनों भी सच हो सकते हैं. माने, he would say, we find common tangents to two circles. ये कैसे होगा? माने एक ऐसा सर्कल होगा और एक ऐसा सर्कल होगा. अच्छा, दोनों को कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है क्या? ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स पॉसिबल है. यही अपना नेक्स्ट टॉपिक है ना. अच्छा, सो दो सर्कल को अपन कॉमन टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, सर्कल ऑन पैरेलल के लिए फाइंड कर सकते क्या? व्हाई नॉट, ऐसे पॉसिबल है. ऐसे दो टेंजेंट पॉसिबल है. अच्छा, माने ये इनका ना फेवरेट क्वेश्चन है, दो पैरेबोलास का कॉमन टेंजेंट्स, दो सर्कल. जल्दी उठना बात, दो सर्कल, बट सर्कल एंड एलिप्स, पैराबोला हाइपरबोला, इनका ना कॉमन टेंजेंट फाइंड करो. माने वो इक्वेशन इसका भी टेंजेंट है और वो उसका भी टेंजेंट है. अच्छा, तो अपना क्वेश्चन है ना, दोनों भी सर्कल्स ही है, बोथ आर सर्कल्स. लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. ओके, देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन 2b इज ग्रेटर देन 0, इफ ए इज ग्रेटर देन 2b इज ग्रेटर देन, then the values of m for which, then the values of m for which y is equal to mx, y is equal to mx minus b root over 1 plus m is a common tangent, is a common tangent to x square plus y square is equal to b square, and x minus a का whole square plus y square is equal to b square. So what is he asking us to find? He is asking us to find the values of m for which this line is actually a common tangent of both the circles. Now आपने notice किया? अगर देखो, now this is a very interesting question. ये एक circle है ना? ये एक circle है. तो मैं आपको पूछूंगा कि give me a line which is always a tangent. Give me a line which is always a tangent to this. It's a constant line which is always a tangent to this. Or equation of tangent. So equation of tangent निकालने के लिए क्या-क्या बताना चाहिए अपने को? वो को कब apply करेंगे? जब वो standard form. S1 is equal to 0 की standard form को जरूर नहीं है. अब देखो वो formula apply करेंगे. External point coordinates. टेंजेंट के वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं? व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? पॉइंट फॉर्म. वो कब क्या पता होना चाहिए उसके लिए? जो सर्कल पॉइंट, एक पॉइंट है इसमें जीरो, दूसरा स्लोप फॉर्म. जब टेंजेंट का स्लोप पता होता, तीसरा पैराबोला. जब सर्कल पे पॉइंट है लेकिन पैराबोला थीटा के टर्म्स में, एक्सटर्नल के टर्म्स में, थीटा के पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में. अच्छा, वो एक है, या एक्सटर्नल टेंजेंट जो बाहर वाला पॉइंट दिया है. इतने सारे फॉर्म्स हैं. अगर मैंने आपको आपको पूछेगा कि गिव मी अ लाइन व्हिच इज ऑलवेज टेंजेंट, तो आप इमीडिएट आंसर कर सकते थे x1 0 व्हिच इज xx1 प्लस yy1 माइनस. बट क्या कंडीशन कौन है? क्या कंडीशन क्या है कि एज लॉन्ग एज x1 y1 लाइज ऑन दिस सर्कल, है ना, उसके लिए x1 y1 सर्कल होना चाहिए. और इससे बेटर कि मैं x1 y1 को के जगह पे लूंगा b cos theta तो इससे बेटर ये है क्योंकि ये वाला पॉइंट हमेशा सर्कल पे रहता है. अच्छा, तीसरा फॉर्म स्लो फॉर्म.
what is that? Y is equal to mx plus or minus r. I have b in the root over. Okay, 100% sure. So how many forms you can write? Three different forms. लेकिन आपने नोटिस किया ये इससे मैच हो रहा है, माने ये नाइन इसका ऑलरेडी मैच है, बस बस ये इसका भी tangent. अच्छा कोई भी लाइन किसी सर्कल का टेंजेंट है कि नहीं, कैसे चलता है पॉइंट्स की रेडियस है, सर्कल के पॉइंट्स की रेडियस है, रेडियस इसका इस वर्टिकल परपेंडिकुलर. हां इसका सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रेडियस. रिमेंबर कोई लाइन किसी सर्कल का टेंजेंट है कि नहीं चेक करने का एक ही तरीका है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस. मतलब व्हाट इज रेडियस एक्चुअली कि दिस लाइन हैज टू बी कॉमन टेंजेंट टू बोथ, इसके लिए भी टेंजेंट इसके लिए भी. अच्छा ये तो इसके लिए तो ऑब्वियसली तो है पहले से, इसनेट ये तो ऑलरेडी स्लोप फॉर्म है. मतलब इसको अभी क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, माने जनरल फॉर्म में, कैसे mx minus y minus b to root over is equal to 0. ये कौन है बेसिकली गिवन है, तो हमने अभी प्रूव कर दिया कि दिस लाइन इज ऑलरेडी अ टेंजेंट टू दिस. बस अब देखो क्या पक्का करना है, ये इसका भी टेंजेंट हो जाए. अच्छा वो टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, जरूरी मान सकते हैं थोड़ा सा इज इक्वल टू r. अच्छा तो d भी कहां से है, इसका सेंटर से है ना, इसका सेंटर से और रेडियस कितना है इसका b है ना, तो इस d इक्वल टू r माने सेंटर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन टू दिस लाइन शुड बी इक्वल टू रेडियस. रेडियस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, ऑब्वियसली ये तो होता है, और डिनोमिनेटर ऑब्वियसली, और न्यूमरेटर में x की जगह a माने am सही है, माइनस y की जगह 0 और बचेगा माइनस b इनटू रूट ओवर c. ओके अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है n की वैल्यू. हां हम लोग जानते हैं हम देखो. अच्छा जहां इसमें इसको हम देखो स्क्वायर करके जो है आर की जगह क्या लिखूंगा यहां b. अरे हां तो ये दोनों मैच हो गए ना, जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड लिया कि अरे हां यहां इसको स्क्वायर करके ऊपर कचरा हो जाएगा है ना. अब देखो वो जो मॉडल डायरेक्ट ओपन कर, ये अंडरस्टैंड ये मॉडल डायरेक्ट ओपन करने के लिए बस ये जो भी है पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, अगर नेगेटिव होता तो उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा. अच्छा तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है ये पता करना. तो ये सदा सदा हां इसीलिए बोलते हो हां ये एफिशिएंट है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई इज इट. अच्छा ले सदा सदा ए बी से 2 टाइम्स बड़ा है, सो बी के 2 टाइम्स से भी बड़ा है ए. अच्छा अब देखो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, पक्का बी अप्रोक्सीमेटली बी भी होता है रूट 1 प्लस एक्स पर, माने अगर 1 को नेगलेक्ट किया तो एक्स का रूट माने है राइट. माने क्लियरली ए इज ग्रेटर देन, सॉरी ए इज ग्रेटर देन दिस, माने ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, माने मुझे मोर लगाने की जरूरत नहीं था. माने इसको मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा ए एम मैं हटा दिया, तो डायरेक्टली ए एम माइनस बी टू रूट ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर इज नथिंग बट बी टू रूट ओवर, ठीक है. मैं इसको भी ऐसे लिख लूंगा 1 प्लस ए इसके साथ मिलेगा, माने ए एम इज इक्वल टू बी स्क्वायर इनटू 2 बी सॉरी 2b into root over. अब मैं इसको square कर लूँगा दोनों तरफ से, तो a square m square is equal to 4b square into expand करना ठीक है, काम करके डायरेक्ट यहाँ 4b square plus 4b square, तो ये इसके साथ आएगा a square minus सही है into m square is equal to माने m square is equal to 4b square upon से. अच्छा तो m क्या होगा, कब नाउ दिस क्वेश्चन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज दिस लॉट इन यू नो सबसीक्वेंट चैप्टर्स है ना, कि क्वेश्चन कैसे होंगे बेसिकली
कि ना एक एक लाइन जो है वो दोनों भी कोनिक सेक्शन का टेंजेंट होना चाहिए, मैंने वो इसका भी टेंजेंट और इसका भी टेंजेंट। तो ना अपने को हमेशा लगेगा सूत्र एंड सर्कल है तो ठीक है, हमने क्या लिखा दिया प्रोपर्टिकल इज इक्वल टू रेडियस, ये तो चलता ही अपने को जनरल फंडा था। तो बात है कि दिस हैज टू बी टेंजेंट टू बोथ, ये तो ऑलरेडी इसका टेंजेंट था, बस ये इसका टेंजेंट होना चाहिए। उसके लिए क्या करना था अपने को b = √2, उससे अपने को n के वैल्यू देखना आपको पूछा जाता है कि इनके लिए कितने टैंजेंट्स लगेगा, सॉरी कितने टैंजेंट्स पॉसिबल है, इतना यू नो देयर आर लाइक 6 केसेस है, बट एक दिन में हो जाएगा बस 6 केसेस वाला कहा है। तो कल वो होगा परसों, so I think we require like 4 to 5 days to finish circles, 5 days probably.